राम राम जी। सरोज सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और सब ठीक ठाक हो गए। हम तो परमात्मा दया दुआ करा भाई सब कुछ मौज में हो। और कल है 15 अगस्त, 15 अगस्त की सब ने शुभकामनाएं भाई। 77वां स्वतंत्रता दिवस है अपना, मतलब आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा कल। और सब अपने घर पर झंडे भी फहराओगे, तो कल हम भी झंडा फहराओगे और वह वीडियो तो अगले दिन आओगी। तो भाई आज़ादी की खुशी तो न्यारी हो है, और हमने तो आज़ादी, हम तो भारत आज़ाद हो पाछे पैदा हुए हैं, हम तो आज़ादी में सांस ली है। ये तो भाई जो भाई शहीद हो गए हमारे भाई, जो पहला जिसने स्वतंत्रता संग्राम कर, भगत सिंह थे, गणेश थे, जो हमने पता भी नहीं है उनके बारे में ज़्यादा, उनकी मेहनत का फल है जो आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। उनकी मेहनत के कारण हमें अपना आज़ाद है ना, तो आज भी हम गुलाम होते। जो वे इतनी मेहनत करके अपना खून बहा कर भाई, जो देश ने आज़ादी नहीं दवाते तो फिर हम कित स्वतंत्र रहते। तो आज़ादी के में सांस लेने का तो बहुत वो है। तो आज़ादी में हमारे जो शहीद हुए हैं उनके खून तपने तो उन सींच का हमें आज़ादी दवाई है, उनके कारण आज हम सुख चैन तय अपने घर में सो रहे हैं। और आज भी जो हमारे फौजी भाई हैं वे भी पैरा देव हैं, वो कर हैं, उसके कारण हम सो हैं। हम तो कुछ भी वो नहीं करते, अपना मजे तो अपने घर में रह हैं, अपना सब कुछ कर हैं, तीज त्यौहार मना, वे बेचारे घर पर भी नहीं आ पाते। और जिसने मरता आज़ादी दवाई, वह भगत सिंह था, चंद्रशेखर आज़ाद था, और भाई महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू था, मतलब बहुत नेता वे हुए हैं जो शहीद हुए बेचारे, उनकी मेहनत का फल था जो आज हम सुख से अंतर रह रहे हैं। और उन हम सारी उम्र जिंदगी जीवेंगे, इतना आने वाली पीढ़ी वे तो सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। और उनने इतनी वो करी थी भाई, जब बत वे आज अमर हो गया ना, तो वे भी नहीं सोचा कि हमने के पड़े अपने घर अमर रहा है सुख शांत उस तय, तो आज हमने आज़ादी क्यों कठिया हुआ है। आज़ादी उन के खून तो उन सींची है जब हमने आज़ादी मिली है, और उनका वो तो हम कदी उनका मतलब शुक्रिया करके तो यह छोटी सी बात होगी। उनका ऋण तो हम कद सारी उम्र भी नहीं उतार सकते जिन हमारा आज़ादी दवाई है। और हम तेन कहें हमने तो भी नहीं पता, पर जो आने वाली पीढ़ी है, जो पहला के आदमी है भाई, हमारे कौन कौन नेता थे, उन सब ने सम्मान देना चाहिए। जो हमारी सरकार है भाई, जो शहीद हुए हैं उन सब ने सम्मान मिलना चाहिए। कुछ के तो भाई वो बना दिए हैं, और कुछ ने बेचारे ने कोई याद भी नहीं करता जिन्हें इतना स्वतंत्रता सेनानी में मतलब अपना योगदान दिया है, उन सब का मतलब वो करना चाहिए भाई, याद करने चाहिए। ये कुछ बेचारे तो ऐसे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है भाई, उनने भी भारत आज़ाद करण में हमारा बहुत बड़ा योगदान था उनका, और उनका कोई जकरा नहीं है। तो हम तो सरकार तो यह प्रार्थना करा है भाई, जो जितने भी शहीद हुए हैं उन सब ने याद करना चाहिए, उनका भी कोई स्थान देना चाहिए, उनका भी वही मतलब वो बनाना चाहिए। जुकर जुकर महात्मा गांधी की समाधि बन रही है, तो सारे मतलब उनकी भी समाधि बननी चाहिए। अब भाई उनने भी हमारी देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया है, तो आने वाली पीढ़ियाँ ने पता चल रहा है अब भाई देखो यही है शहीद हुए थे। बनिया की तो बन भी ली है, पर कुछ ही से रह रहे हैं भी जिनने भारत की आज़ादी में योगदान दिया था, पर आज उनने कोई याद नहीं करता। हम तो यह चाहे हैं भाई, हमारे सोचे थे कि वो है उन, तो पर हम तो यह चाहे सरकार ने ऐसा करना चाहिए भाई, उनकी भी वो बनानी चाहिए कि भाई सब ने पता लग गया कि भाई इन्हें इतना वो करके मरता आज़ादी दवाई है। अरे इसमें घनी जगह बन भी ली है भाई, समा वो वल्लभ भाई पटेल की बनी है पाछा सी, और भगत सिंह ने तो बहुत बड़ा कति जवान उम्र में भाई इतना बड़ा योगदान दिया है, उसकी आज अपने फांसी कबूल कर ली है, पर उन गुलामी नहीं वो हुई, मतलब गुलामी सहन नहीं थी, मरना मंजूर है पर हम गुलामी नहीं सहवाएंगे। इसे इसे उन नौजवान ने यह मरता आज़ादी दवाई है जिन्हें अपना खून सींच कर, और जब तो आज़ादी मिली है, और अंग्रेज जब बढ़ रहे हैं अब भाई भारत का आदमी नौजवान ही जागरूक हो गया है, और इवे
मारी भार नहीं बसाओगी ज्यादा बाजे हुए जो खाली धरने धरने पर बैठे रहते तो के बरामना आजादी मिलती या ना मिलती, पर उन अपने खून तो सींच का है अमन आजादी दवाई है। और तो हम तो उन शहीदान है अमन नमन करे हैं और उनकी आत्मा ने भाई परमात्मा शांति देवे, वे उन इतना बड़ा वो करया है अक हम आज अपने घर में सुरक्षित हैं। और आज हम आज़ादी के बाद भी हम उस दिन सही सही आज़ाद तो उस दिन होंगे जब हमारी बॉर्डर पता फौज हट जाएगी, जो ये हमारे फौजी भाई हैं इतने शहीद हुए हैं आज़ाद हो पीछे भी हमारे कारगिल में कितने मारे गए कितने ये लड़ाई हुई है आपस में कटले मार ले तो क्या होना सुख शांति तो रहना सही है, पर बॉर्डर पर कितनी मार काट हो आज भी 10 जवान शहीद हो गए, पुलवामा में कितने शहीद हुए थे हैं और ईव कारगिल में शहीद हो यार ऊँ छोटी मोटी तो ही पाचा चीन की रुस्की हुई थी पिछले साल उसमें कितने शहीद हुए थे और ऊँ भी रोज सुनते रहे उड़े शहीद हो गए उड़े शहीद हो गए। तो आपसी मारकाट में तो के दरिया पर यह पता नहीं कि समझ में क्यों नहीं आती ना, तो सब फौजिया की जरूरत नहीं रवे जो सुगर दे का मन शांति हो सही मानने में तो उस दिन आज़ादी होगी जिस दिन भाई सब कति फौजी भी नु कहेंगे अक हमने बॉर्डर पर पहरा देने की कोई जरूरत नहीं है, सही मानने में तो उस दिन आज़ादी की वो होगी। और आज़ादी के बारे में मैंने तो भाई ज़्यादा ज्ञान नहीं था भाई कौन कौन इसमें मतलब शहीद हुए थे अपने, पर मैं तो सब नए वो करूँ अगर जिसने भी ज्ञान हमने तो है नहीं, पर सरकार ने तो भाई पुराना पता है भाई कौन कौन के हुए थे भाई, हम तो मोटे मोटे न जाना है भाई गांधी था सुभाष चंद्र बोस था चंद्रशेखर आज़ाद था वल्लभ भाई पटेल था जवाहरलाल नेहरू था और हम तो इन्हें न जाना है, पर बहुत और भी से हैं जिनके बारे में हमने पता नहीं है और वे उनका बहुत योगदान था। तो आज़ादी के उसमें मैंने तो कुछ ज़्यादा वो नहीं था, पर मैं तो यह देखता हूँ अक आज़ादी के उसमें भाई अपना देश में फौजी भाइया ने भी हम उस शहीदा की हमने पूरी वो करनी चाहिए, आज ये शहीदान तई भी सम्मान नहीं मिलता है जो उड़ा बॉर्डर पर मर जाए हैं उन फिर भूल भाल जाए हैं तावड़े वे भी एक हमारे ईब आज़ादी के उसमें। तो आज़ादी के उसमें मैंने ज़्यादा कुछ पता नहीं था, कोई तनु का के बकवास कर रही है तो मैंने तो यह कहूँ अपना भाई अपना देश आज़ाद हो गया है और इस आज़ादी के उसमें हमने जो शहीद उनके उसमें हमने वो करना चाहिए भाई सम्मान उनका। और उसके उसमें मैं थोड़ा है मैं एक गाना कह लो वो कह लूँ उनकी याद में एक थोड़ा हमने कोशिश करूँगी जो अनुराधा पौडवाल ने गाया था बहुत अच्छा वो बन रहे हैं शहीदा पर भी गाने भाई इसे इसे गाने बना रखे हैं हमारे कलाकारा ने अक सुन का आख्या में पानी आ जा एक जो गाना था मैंने तो उस अच्छी तरह आता भी नहीं है फिर भी थोड़ी कोशिश करूँगी। वो गाना था अपनी आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो भाई ये इसने हम तब गरा में सोए थे जब वे झेल रहे थे गोली हम खेल रहे थे होली वे खेल थे खून की होली जरा याद करो उनकी कुर्बानी। तो यह मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर किसी ने गलत लगी हो आज़ादी के उस पर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो हाथ जुड़ कर माफ़ी मांगू हूँ। अरे भाई सब सही दान है हम तो प्रणाम करे हैं उन के कारण आज हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं और अपने घर में सुख शांति ते खा पी रहे हैं सो रहे हैं और चैन की नींद। और जो वे नहीं होते तो हम आज़ादी नहीं मिलती और जो हमारे फौजी भाई नहीं हो तो हम चैन तरात न सो भी नहीं सकते। तो हम सब ने प्रणाम करे हैं और वीडियो ने अड़े एंड करे हैं, वीडियो किसी लगी मेरी गलती हुई हो तुमने माफ़ करियो और सब ने राम राम और स्वतंत्रता दिवस की सब ने शुभकामनाएं।